23 अप्रैल है आज एंड 5 मई को तुम्हारा नीट का एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। तो लगभग जो भी अभी तुम्हारे पास 10-15 दिन बचे हैं, तुम्हें उन्हें कैसे यूटिलाइज करना है, कितने मॉक टेस्ट देने हैं, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो होनी चाहिए एंड तुम्हें कैसे अपना स्कोर को इम्प्रूव करना है, बूस्ट करना है, हम आज उसी के बारे में बात कर रहे होंगे। तो यार, जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी उस पर ओवर 300 कॉमेंट्स आए हैं बच्चों के अलग अलग की, मैम अब तो बस हम छोड़ रहे हैं, हमें सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, हमारे तो 150 मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, हमारे स्कोर इम्प्रूव ही नहीं हो रहे। तो यार देखो, आज हम उन्हीं सब टॉपिक्स पे बात कर रहे होंगे कि कैसे तुम ये लास्ट के मंथ में पढ़ के अपना स्कोर इम्प्रोवाइज कर सकते हो और अपना एक प्रैक्टिकल स्कोर लेके आ सकते हो। एटलीस्ट मैं ये नहीं बोलूंगी कि अभी देखो पढ़ के तुम्हें 600-650 आ जाएंगे, बट आई कैन सी दैट अगर तुम 300 पे हो तो तुम 400 तक इजिली जा सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर रहे होंगे कि क्या ये पॉसिबल है। सो येस, इट इज पॉसिबल। अगर तुम दिन में 15 से 16 घंटे दे रहे हो तो इट इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो यार, मैं जो ये अभी 15 दिन का चैलेंज बताने जा रही हूँ, देखो मेरे बताने से कोई फायदा नहीं होगा, ये चैलेंज तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज आफ्टर ऑल तुम्हारा नीट का एग्जाम है। तो कमेंट डाउन कर दो कि हैशटैग चैलेंज एक्सेप्टेड एंड हैशटैग डू इट विद मेमोनीट। तो यार, आई डेयर यू टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड नीट के बाद तुम मुझे इसके रिजल्ट जरूर बता के जाना, बिकॉज दिस चैलेंज इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर ऑल यू गाइज। क्योंकि देखो, अभी 15 दिन बचे हैं एंड दीज 10-15 डेज आर डू एंड डाई मोमेंट फॉर यू। नो मैटर तुमने पूरे साल कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, देखो जिन्होंने पढ़ा है उनका सिलेक्शन होगा, लेकिन एटलीस्ट तुम अपना एक प्रैक्टिकल स्कोर तो लेके आ सकते हो ना, कि अगर तुम स्ट्रैटेजिकली इस 10-15 दिनों में पढ़ लो, क्योंकि वो स्कोर तुम्हारे ही कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा आगे जाके। तो यार, येस यू कैन डू इट। तो लेट्स स्किप टू द प्लानर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो येस गाइज, माई नेम इज आयुषी चौधरी एंड आज के वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे होंगे, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हम प्लानर पे चलते हैं। देखो, जो प्लानर है ना, मैंने मेमोनीट से लिया है। तो यार, ये तुम्हारा लास्ट 15 डेज का जो भी फ्री क्रैश कोर्स वहाँ पे चल रहा है, ये मैंने वहाँ से प्लानर उठाया है। तो देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगी ब्रह्मास्त्र रिवीजन पत्रिका के बारे में। देखो, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में इन्होंने सारे फिजिक्स केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज को सिंप्लीफाई कर दिया है, जिससे कि तुम हर एक चैप्टर को लगभग 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर पाओ। तो यार, ये जो अभी पत्रिका है, ये फ्री में अवेलेबल है टिल नीट 2024। तो तुम ऐप को डाउनलोड करके इस पत्रिका से पढ़ सकते हो एंड इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर ऑल यू गाइज एंड ये कंप्लीटली फ्री है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज की। देखो, ये न्यू अपडेटेड सिलेबस के ऊपर बेस्ड है एंड ये जो टेस्ट सीरीज है, तुम ऐप के ऊपर जाओगे एंड इस टेस्ट सीरीज को अगर तुम परचेज करोगे या फिर मतलब जो भी वहां पे तुम्हें दिखेगा टेस्ट सीरीज तुम दोगे, तो यार ये तुम्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। और इसके अंदर क्या है, इस पैकेज के अंदर तुम्हें 14 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, OMR स्कैनिंग मिलेगी, मतलब कि तुम इस टेस्ट सीरीज को प्रिंट करा के OMR फिल करके फिर अपना OMR स्कैन करके भी टेस्ट दे सकते हो एंड ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तुम इसको कुरियर के मदद से अपने घर पर भी मंगा सकते हो। तो यार, टेस्ट देना तो बहुत बहुत जरूरी है। तो यार, दिस टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सोल्यूशन। तो यार, तुम मेरा कूपन कोड आयुषी300 यूज कर सकते हो टू अवेल एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। तो यार, ये जो भी मतलब स्टैटिस्टिक एनालिसिस है, ये भी दिया हुआ है इन्होंने, इसकी बात हम वीडियो के एंड में करेंगे। तब हम जल्दी से जंप कर जाते हैं डे वन के ऊपर कि तुम्हें अपने डे वन में कौन से सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ने हैं, कितने घंटे फिजिक्स पढ़नी है, कितने घंटे बायो पढ़नी है एंड कितने घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है। देखो, अभी टाइम है कि तुम इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो। तो प्लीज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लगभग 5 बजे उठ जाओ मॉर्निंग में, ठीक है। सबसे पहले अपनी बायो पढ़ने बैठो, ठीक है। बायो में तुम्हें हर सब्जेक्ट को ना ऐसे डिवाइड किया गया है 5-5-5, तो तुम्हें दिन में 15 से 16 घंटे तो बेटा भी पढ़ना पड़ेगा। तो यार, सबसे पहले हम बायो पढ़ते हैं 5 आवर्स के लिए, ठीक है। अब बायो में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम चैप्टर जो कवर कर रहे हैं ना, वो हम प्रायोरिटी बेसिस पे कवर कर रहे हैं कि जिस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में पहले ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम पहले वो वाला चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। अब मैं चैप्टर बता रही हूँ तुम्हें, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करना है डे 1 पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स करना है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ करना है, ठीक है। तो यार, उसमें से इतने 33, 17 इतने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो यार, वन मोर थिंग जो मैं बताना भूल गई तुम लोगों को, कि यार ये जो प्लानर है, ये फ्री में अवेलेबल है। तो यार, आई वुड वॉन्ट कि तुम सब इस प्लानर को जो भी अभी मैं बता रही हूँ फोटो कॉपी ले लो, अपनी सब दीवारों पर चिपका लो, ठीक है। साथ ही में ब्रह्मास्त्र रिविजन पत्रिका भी तुम ऐप से जाके एक बार देख लो, ठीक है। अब देखो, हम आते हैं कि अब हम बायो में रिवाइज कैसे करें। अब तुम बोलोगे, मैम अगर हम एनसीईआरटी से अभी पढ़ने बैठेंगे या फिर कोई वीडियो लेक्चर देखने बैठेंगे
बैठेंगे तो मैम हमारे कम से कम 2 से 3 घंटे तो गए, और आप बता रही हो कि हमें 3 3 चैप्टर करने हैं तो हम करें कैसे इनको। तो देखो तुम्हें एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना है, तुम्हें यहाँ पे जो भी एनसीईआरटी मेमोनीट पे मतलब मेमोनीट के ऐप पे एनसीईआरटी की जो भी शॉर्टकट वेज में दिया हुआ है, जहाँ पे तुम एनसीईआरटी के जो भी क्विक नोट्स हैं उनसे अपने एक चैप्टर को लगभग लगभग 8 से 10 मिनट में रिवाइज कर पाओगे। तो तुम्हें एनसीईआरटी क्विक नोट से पढ़ना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज यू हैव टू वर्क स्मार्टली नॉट हार्ड। हार्ड वर्क तुमने पूरे साल नहीं किया तो अब एटलीस्ट दिमाग के घोड़े तो दौड़ा लो अपने। अब तुम्हें पीवाईक्यूज करने हैं लास्ट 15 सालों के, ठीक है, वो तुम किसी भी पीवाईक्यू बुक से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कोई भी मीडियम लेवल डिफिकल्ट क्वेश्चंस, छोटे थोड़े थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन चूज करना है जो कि तुम ऐप पे जाके देख सकते हो। तो तुम्हें बायो में मैं तुम्हें कंसाइज वे में बता सकती हूँ, तुम्हें ये 3 चैप्टर डे 1 पे पढ़ने हैं। तुम्हें क्या करना है, मेमोनीट के ऐप पे जाना है, वहाँ पे जो भी तुम्हारे कंसाइज नोट्स हैं तुम्हें वो पढ़ने हैं, उसके बाद पीवाईक्यूज करना है, उसके बाद थोड़े बहुत मेमोनीट के ऐप से तुम डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, फिर तो वो तुम किसी भी बुक से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। साथ ही में जब तुम्हारा ये सब हो जाए तो यहाँ पे टिक लगा देना, ठीक है, कि हाँ तुम्हारा इतना हो गया है। अब देखो, अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में तो भैया तुम्हारे लगे पड़े हैं, क्योंकि मुझे सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं, मैम फिजिक्स में हमारे आ रहे हैं 50 60 नंबर, हमारे नहीं आ रहे फिजिक्स में नंबर, ना हमसे हो रही है, हम चैप्टर्स छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं बोलूंगी चैप्टर कोई मत छोड़ के जाओ, एटलीस्ट एक एक बार फॉर्मूलाज और पीवाईक्यूज देख के जाओ, बिकॉज फिजिक्स हमें लगता है डिफिकल्ट, बट फिजिक्स बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है एंड तुम इजीली फिजिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो देखो फिजिक्स में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली यूनिट करनी है, फिर मैग्नेटिज्म करना है, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट करना है डे 1 पे, ठीक है। अब तुम देखो, तुम बोलोगे मैम हम फिजिक्स में अगर पीवाईक्यूज करने बैठेंगे, कुछ भी चैप्टर करने बैठेंगे, इतने सारे पीवाईक्यूज हैं, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, हम कैसे पढ़े। वन शॉट सोल्यूशन देखने जाओगे अगर वन शॉट हर एक चैप्टर का, तो 7 से 8 घंटे लग जाएंगे, तो फिर अभी करे तो करे क्या। तो देखो मेमोनीट के ऐप पे मैंने तुम्हें बताया कि जो ब्रह्मास्त्र पत्रिका है वो बिल्कुल 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 फ्री में अवेलेबल है, उसमें हर एक चैप्टर को 1 से 2 पेज में कंसाइज किया गया है विद फॉर्मूलाज, तो वो देखो, उसके बाद क्वेश्चंस करो, उसके बाद तुम क्या करोगे, सारे के सारे क्वेश्चंस करोगे मेमोनीट के एचसीक्यू सेक्शन पे। अब देखो क्वेश्चंस अभी इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर से 100 200 क्वेश्चन करो, ठीक है। तो एचसीक्यू सेक्शन में क्या दिया हुआ है, हाई कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, वहाँ पे 20 से 30 क्वेश्चन है, तो अगर उन्हें तुम करोगे तो तुम्हारा चैप्टर के अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो वो तुम्हारा बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, कोई भी पीवाईक्यूज करना है लास्ट के 5 सालों के, एंड यू आर डन एंड डस्टेड फॉर फिजिक्स। अब हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री कैसे करनी है। तो देखो केमिस्ट्री को भी तुम्हें 5 घंटे देने हैं, जैसे मैंने तुम्हें हर सब्जेक्ट को बताया कि 5 5 5 घंटे देने हैं। तो यार देखो केमिस्ट्री में तुम करोगे मोल कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब तुम ये मुझे बोलोगे कि मैम वही दिक्कत हमें आ रही है जैसे फिजिक्स में आ रही है, तो तुम्हें केमिस्ट्री और फिजिक्स का स्ट्रैटेजी सेम रखना है, ब्रह्मास्त्र पत्रिका से अपना रिवाइज करना है सब कुछ, उसके बाद एचसीक्यू सेक्शन में जाना है। अब तुम्हें ब्रह्मास्त्र पत्रिका में पॉइंट्स टू पॉन्डर मिलेंगे, वो तो तुम्हें घोल के पी जाना है, ठीक है। और उसके बाद एचसीक्यू सेक्शन से जाके क्वेश्चंस करो, उसके बाद पिछले 5 सालों के कोई भी पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। तो ये जो पॉइंट्स टू पॉन्डर और ब्रह्मास्त्र पत्रिका में फिजिक्स के फॉर्मूला दिए हुए हैं, दीज आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। आई वुड हाईली रिकमेंड कि यार प्लीज फ्री में अवेलेबल है, यार कोई चीज अगर फ्री में मिल रही है तो उसका फायदा उठाओ ना जाके, तो एक बार चेकआउट करो। और टेस्ट सीरीज तो दे टेस्ट तो मतलब देने ही देने हैं, एटलीस्ट अभी 1 हफ्ता तो टेस्ट दो, तो वो टेस्ट भी तुम्हें जरूर देना है, क्योंकि तुम्हारा उसमें क्या फायदा होगा, टेस्ट तुम दोगे तो तुम्हें को तुम्हारे को वीक पॉइंट्स पता चलेंगे, ठीक है। अब डे 2, अब हमने डे 1 पे अपना सब कुछ रिवाइज कर लिया जैसे मैंने तुम्हें बताया। अब डे 2 पे तुम क्या करोगे, तुम दोगे टेस्ट, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, पहले 3 घंटे उस टेस्ट की तैयारी करोगे, जो भी तुम्हारे वीक पॉइंट्स है तुम उनको देखोगे, ठीक है। अब तुम मेमोनीट का कोई भी फुल सिलेबस लेंथ टेस्ट लोगे, ठीक है, उसका प्रिंटआउट निकालोगे, उसको ओएमआर में फिल करोगे, अपना पूरा स्ट्रैटेजिकली जैसे तुम नीट के पेपर में देने जा रहे हो वैसे तुम अपना टेस्ट दोगे, ठीक है। टेस्ट की एनालिसिस करोगे, अपनी मिस्टेक कॉपी में सारी सारी गलतियां अपनी लिखोगे, उसके लिए तुम्हें टेस्ट एनालिसिस के लिए अलग से 2 3 घंटे देने ही देने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डे 2 पे मैम हम फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, तो यस डे 2 पे तुम फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, डे 2 पे सिर्फ तुम बायो पढ़ोगे। बायो में चैप्टर पढ़ोगे प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन, वैसे ही पढ़ना है तुम्हें। मेमोनीट के सेक्शन पे जाना है, वहां से तुम्हें वो जो मिलेंगे मेमोनीट के फ्लैश कार्ड्स उन्हें यूज करना है, फिर क्वेश्चंस करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, एंड योर चैप्टर इज डन एंड डस्टेड इन लगभग लगभग 1 घंटा। तो डे 2 पे तुम ऐसे करोगे, फिर से डे 3 का तुम्हारा प्लानर स्टार्ट हो जाएगा बायोलॉजी का, फिजिक्स का एंड केमिस्ट्री का। डे 4 पे फिर तुम टेस्ट दे रहे होंगे और सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। तो ऐसे ये जो पूरा प्लानर है ना बच्चे, ये तुम्हारा बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। तो आई वुड वॉन्ट, देखो डे 12, डे 13, डे 14, तो आई वुड वॉन्ट कि तुम इस प्लानर की
फोटो कॉपी कराओ, कलर्ड फोटो कॉपी, और अपनी वॉल्स पे चिपका लो, बिकॉज अभी भी टाइम है। बिकॉज देखो, जब जागो तब सवेरा, तो अभी भी लग जाओ। मैं ये नहीं बोलूंगी कि भैया 600 आ जाएंगे, लेकिन कुछ तो इम्प्रूव होगा ना। 10 नंबर का हो, 20 नंबर का हो, 100 नंबर का हो, 200 का हो, कुछ तो इम्प्रूव होगा ना एटलीस्ट। तो ये चीज़ें सीख लो कि मेहनत करते रहना है, मेहनत में कमी नहीं छोड़नी। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, मैम अब हम छोड़ देते हैं, हमसे तो हो ही नहीं रहा है। क्यों भैया, फिर लिया क्यों था, क्यों आए थे फिर रेस में? तुम अगर अभी छोड़ने की बात करो, अभी तो तुम्हारे पास सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 सब्जेक्ट्स हैं, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। तुम्हें एमबीबीएस में 19 19 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, फाइनल ईयर में जब तुम्हारे 9 से 10 सब्जेक्ट आएंगे, साथ में क्लिनिकल पोस्टिंग भी लगेंगी, फिर क्या करोगे तुम? फिर तो वो भी छोड़ के बैठ जाना। फिर ऐसे बच्चे ना जो इतना वीक होते हैं, वो साथ फिर एमबीबीएस छोड़ देते हैं फर्स्ट फर्स्ट ईयर में आके। तो तुम्हें वैसा बनना है क्या लाइफ में? कोई भी अगर तुमने फैसला ले लिया, तो उस पर टिके रहो ना। तुमने नीट का डिसीजन तुम्हारा था, तो अब तुम उसे छोड़ने की बात कैसे कर सकते हो? तो प्लीज ये सब मत करो, एंड सुसाइड वगैरह जैसे थॉट्स तो मत लाओ यार, इट्स एन एग्जाम, दैट्स इट। पेरेंट्स समझ जाते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। आई नो कुछ बच्चों के पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते, बट वो समझ जाएंगे। प्लीज, तो सुसाइड जैसे थॉट्स तो मन में बिल्कुल लाने ही नहीं है, कांटा मार दो। अब देखो, इस प्लानर में मैं तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या बताती हूँ, देखो यहाँ पे ना पूरे बायोलॉजी के एंड फिजिक्स के केमिस्ट्री के पूरा एनालिसिस दिया हुआ है कि तुम्हें किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी से, सेमीकंडक्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, एटम्स और न्यूक्लियाई से, रे ऑप्टिक्स से, इन चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, साथ ही में केमिकल बॉन्डिंग से और एल्डिहाइड वाले चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो ये चैप्टर तो तुम्हें बिल्कुल छोड़ के जाने ही नहीं है। तो फिजिक्स छोड़ के नहीं जानी है, फिजिक्स के सारे फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, एच वो कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एंड यू आर डन एंड डस्टेड। सो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, और देखो परेशान तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट एन एग्जाम। आई नो अभी स्ट्रेस हो रहा होगा, बट स्ट्रेस होना जरूरी है, स्ट्रेस में और अच्छी पढ़ाई होती है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो हियर। सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। बाय बाय।